यस सर। चलो तो हम थे क्वेश्चन नंबर 5 पर। आंसर विल बी 10 जूल जो हमारा आ भी रहा है। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 10 जूल, वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी प्लस 10 जूल। क्वेश्चन में पूछा गया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन 7th क्वेश्चन, द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन अ सिस्टम गोस फ्रॉम स्टेट ए टू बी इज 40 किलो जूल पर मोल। ए से बी पर गए हम, यहां पर डेल्टा यू दिया है 40 किलो जूल। इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाय रिवर्सिबल पाथ एंड रिटर्न्स टू स्टेट ए बाय इरिवर्सिबल पाथ, व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी? जीरो। डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन, तुम किसी भी पाथ के थ्रू जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ए से बी पे गए और बी से जब ए पे आ रहे हैं हमने पाथ चेंज कर लिया है, दैट डज नॉट मैटर बिकॉज the change in state function will be zero for the cyclic process. चाहे तुम किसी भी path को follow करके A पे आ रहे हो, so path independent होता है internal energy, इसलिए यहाँ से यहाँ पर plus 40 है, यहाँ से यहाँ वापस minus 40 होगा किसी भी path को follow करके आओ। Answer will be zero net change for 7th question. Is that okay? 7? Yes sir. So, yes sir. हम section D पे चलते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ फिर तुम टाइप कर देना जो भी डाउट हो। सेक्शन डी डाउट, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स डाउट्स ऑफ सेक्शन डी। Eleventh question. Section D doubts first. चैट बॉक्स में टाइप करो जिसका भी डाउट है, मुझे एग्जैक्टली पता रहेगा किस बच्चे का कौन सा डाउट है। सर आप मीटिंग में नहीं ऐसा दिखा रहे? हाँ सर मैसेज नहीं जा रहे। मैसेज नहीं जा रहे हैं, मैसेज कुछ बच्चों के तो आ रहे हैं, शायद कुछ इशू आ रहा होगा। चलो बोल के बता दो। 14 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन ये दो डाउट आए, बोल के बता दो कौन से डाउट। 5 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 13 8 13 17 17 दिया ही नहीं था, इवन 15 तक ही दिया था, 16 भी नहीं 14 तक ही दिया था, तो 14 सर, तो 16 भी इवन नहीं दिया था। 13 10 सर 10 बस इतना ही। 12 चलो इट मे बी पॉसिबल, काफी क्वेश्चन इसमें मिलते जुलते हो तो थोड़ा फोकस करना, यदि क्वेश्चन मिलता जुलता हो तो मैं उसे डबल से नहीं करूंगा। फिर 11th क्वेश्चन, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली एट 37 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 15 टू 25 लीटर मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड। Work for isothermal process is given by 2.303 nRT log of V1 upon V2, 2.303 number of moles 1, 8.314 temperature 37 degree Celsius,
310 केल्विन log of 15 upon 25. कैलकुलेशन पार्ट है वो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, कर लेना सॉल्व, जूल्स में आंसर आ जाएगा. हमें वर्क कैलकुलेट करना है फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, इस पूरे प्रोसेस में. चलो ए टू बी का वर्क निकालते हैं. द टोटल वर्क डन विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे फाइनली. ए टू बी का वर्क एरिया अंडर द कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस, सो दिस width into height, ये आ रहा है 2V naught minus V naught height P naught. So ये वाला वर्क आ जाएगा P naught V naught first one. B से C isothermal process दे रखा है हमें question में, clear? So यदि isothermal process है तो उसका work का formula भी ऊपर लिखा है हमने. हम पहले options देख लेते हैं, ln में दे रखा है या log में दे रखा है. हमें question number इसमें ln में दे रखा है, so it is better to deal in ln. 2.303 की जगह हम लिखते हैं n r t ln v1 2v0 v2 4v0 v1 upon v2, so 2v0 upon 4v0 ये आ जाएगा. ये आ गया सेकंड वर्क. c to a हम वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, पहला वर्क नेगेटिव आएगा एक्सपांशन, और ये भी नेगेटिव आएगा फॉर्मूले से, बाय फॉर्मूला. c to d विल बी पॉजिटिव ऑफ एरिया, तो width 2v0 height, हमें ये height नहीं दे रखी है क्वेश्चन में. क्या करो इस b और c पर isothermal process का p1v1 equal to p2v2 का लो Boyle's law. तो यहाँ पे pressure into volume, यहाँ पे pressure into volume same होगा isothermal process. यहाँ पे pressure volume कितना है? Volume 2v0, pressure p0. तो b पर है p0 into 2v0, c पर pressure calculate करना है, volume है 4p v0. वॉल्यूम डबल हुआ, प्रेशर हाफ हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट. सो पी आ रहा है तुम्हारा पी नॉट बाई टू एट पॉइंट सी. सो थर्ड वर्ड डन पॉजिटिव साइन के साथ, एरिया टू बी नॉट इनटू हाइट पी नॉट बाई टू. सो ये वाला वर्क और ये वाला वर्क कैंसिल हो गया, आंसर आया हमारा एनआर टी. टी लिखना भूल गया था मैं यहाँ पर, एनआर टी विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी वी. इस पॉइंट पे पीवी लिख दो या इस पॉइंट पे लिख दो, दोनों सेम ही. तो यहाँ पे पी नॉट इंटू टू वी नॉट, एनआरटी का वैल्यू टू पी नॉट वी नॉट, एलएन एलएन टू बाय फोर, एलएन वन बाय टू, सो माइनस एलएन टू. इज दैट ओके? एलएन वन बाय टू को लिखा है माइनस एलएन टू. चेक करो, किसी को डाउट हो तो क्लियर करो. टू मोल्स ऑफ हीलियम गैस अंडरगो अ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस अ शोन इन द फिगर
assuming gas to be ideal, what is the total amount of heat evolved? साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा, जितने भी पाथ फंक्शन है वो नॉन जीरो हो सकते हैं बट स्टेट फंक्शन भी जीरो। सो 13 क्वेश्चन, डेल्टा यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू विल बी जीरो, रिवर्सिबल है, इनिशियल फाइनल पोजीशंस आर सेम। अब हम कैलकुलेट करते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्वड इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस क्यू कैलकुलेट करना है। सो Q plus W equal to zero, Q will be minus W. अब वर्क कितना होगा इस प्रोसेस? Area enclosed in the cycle, कितना area आ रहा है? Half of the base into height, area of triangle. So base at 2V1, height at 5V1. Half into 2V1. Into 5V1. Clear? Clockwise है, so work negative आएगा. एक नेगेटिव साइन रख दिया क्लॉकवाइज के टाइम, एक नेगेटिव तो पहले से भी था, Q आ जाएगा पॉजिटिव, 2 कैंसिल, 5P1 V1 इज द फाइनल आंसर, फर्स्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया है। क्या क्लियर है 13 क्वेश्चन? यस सर। यस। इस पेज पे और भी कोई क्वेश्चन है क्या? 12। Two moles of helium gas undergo reversible cyclic process as shown in the figure. Assuming gas to be ideal, what is the work for the process C2D? और हमें कर्व दे रखा है pressure versus temperature. चल, can we say that from C2D temperature is constant, the process will be isothermal process. Constant temperature process is C2D. तो ये isothermal process होगा. Work done during CD will be 2.303 nRT ln V1 upon V2 or P2 by P1. दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर दे रखा है तो इट इज बेटर टू डील इन प्रेशर। अच्छा ln में आंसर है तो इसको ln में ही रहने देते हैं। 2 मोल्स इनका वैल्यू 2 आर एज इट इज, टेम्परेचर 400 केल्विन दे रखा है क्वेश्चन में, ln P2 by P1, final pressure 1 atm, initial pressure 2 atm, ln 1 by 2, minus 800 R ln 2, ln 1 by 2 को लिख दिया हमने minus ln 2, so minus sign आ गया 1 by 2 का 2, final answer for 12th question, first option. सर इसमें ये V1 by V2 equals to P2 by P1 half कैसे हुआ? Final D का प्रेशर कितना है? 2 मतलब final position. COD का प्रेशर दे रखा है क्या क्वेश्चन में? देखो ग्राफ में कितना दे रखा है, दिया है तो टू एटीएम और 1 एटीएम दिया है ना क्वेश्चन में? हाँ सर। तो ये फाइनल प्रेशर 1 और इनिशियल 2 P2 by P1। ओके सर समझा। क्वेश्चन नंबर 9th, वर्क इज 0, एक्सपांशन अगेंस्ट वैक्यूम लिखा हुआ है ना लेक्चर नोट्स में, एक्सपांशन अगेंस्ट वैक्यूम वर्क इज 0, 9th क्वेश्चन। After question number 9, question number 5.
देखो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा एच क्वेश्चन में दे रखा है 560 किलो जूल पर मोल माइनस साइन के साथ, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। डेल्टा पीवी में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है 10 लीटर, तो वॉल्यूम को बाहर लिया, डेल्टा पी इंटू वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर 40 माइनस 70। हमें क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल प्रेशर इज 70, फाइनल इज 40 बार। सो 40 माइनस 70 क्या, वॉल्यूम 10 लीटर रखा, एटीएम बार, अच्छा यहाँ पे लीटर नहीं है, एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्जन ही सिखाया था क्या लास्ट लेक्चर में, 101.3 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे बार है तो 101 की जगह एग्जैक्ट 100 ले सकते हैं। 1 बार इज 10 टू द पावर 5 पास्कल, 1 एटीएम इज 101.325 पास्कल होता है, मतलब 1.01 का डिफरेंस है। बार लीटर, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया, 100 आ जाएगा। ये आया जूल्स में एसआई यूनिट, ये तो किलो जूल्स में था, सो बाय 1000 कर दिया ताकि ये भी किलो जूल में कन्वर्ट हो जाए, ये नेगेटिव आएगा, ये वापस से इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा यू के लिए सॉल्व कर दे। कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है तो क्लियर कर लो। सर हां सर, वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है यहाँ पे? हाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। फिर डेल्टा यू जीरो कैसे नहीं? लिखाता हूँ, ये भी लिखाता हूँ मैं, लेक्चर नोट्स में लिखना है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट टाइम आया है, वैसे तो पूरा थर्मोकेमिस्ट्री इस पे बेस्ड है बट यहाँ पे आया, मैं लिखा देता हूँ नोट। डेल्टा यू इक्वल टू जीरो इफ डेल्टा टी इज जीरो, इट इज वैलिड ओनली फॉर प्रोसेस नॉट फॉर केमिकल रिएक्शंस। ये सिर्फ प्रोसेस के लिए वैलिड है, केमिकल रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है। क्या? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी चेंज होता है बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन, द इंटरनल एनर्जी चेंज इज नॉट देयर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, इट इज देयर ड्यू टू फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बोन। यहाँ पे बॉन्डिंग में चेंजेस आ रहे हैं, बॉन्डिंग में चेंजेस के कारण, इंटरेक्शन में चेंजेस के कारण इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, तो यहाँ पे डेल्टा यू नॉन जीरो होगा। इवन इफ डेल्टा टी इज जीरो, टी इज कॉन्स्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शंस एज एनर्जी इन्वॉल्व ड्यू टू ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इज दैट ओके? ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है ना इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो फॉर डेल्टा टी जीरो, क्योंकि वहां पे जब कोई भी रिएक्शन हो रहा है उनके केमिकल बॉन्ड इंटरेक्शन चेंज हो रहे हैं, उसके कारण इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। इसलिए फिफ्थ का आंसर डिफरेंट होगा, जीरो नहीं होगा। एट क्वेश्चन, इफ एनी वेसल इज ओपन टू एटमोस्फेयर इट्स प्रेशर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट विच इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। कोई भी सिस्टम एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में, उसका प्रेशर हमेशा एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा।
तो एट क्वेश्चन में प्रोसेस विल बी आइसोबारिक, ओपन वेसल है, क्लियर। अब Zn dissolved in HCl at 25 degree Celsius, the type of process and the work done by the system respectively. Reaction होगा Zn solid plus HCl aqueous can give ZnCl to solid plus H2 gas. ये reaction होगा. Now you can see here the moles of gases are not present in the reactant side, but there is moles of gas in the product side. यहाँ पे H2 बन रहा है, वहाँ पे कुछ gases के moles involved हैं. So solid, liquid, solid. यहाँ पे gas, the volume of gas is much greater in comparison to solid and liquid. यदि gases का volume काफी ज़्यादा है, इसका मतलब product में gases हैं, product का volume ज़्यादा, expansion हो रहा होगा. और expansion हो रहा होगा, that means work is done by the system. Expansion में system work करता है, कंप्रेशन में सराउंडिंग वर्क करता है. तो इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन पे थे हमें 8 पर, आइसोबारिक एंड नेगेटिव वर्क. अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है ना, तो आइसोबारिक एंड पॉजिटिव वर्क, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम. नन आंसर दे रखा है, इसका क्या दे रखा है सर? सेकंड आंसर, वर्क डन बाय द सिस्टम. Work done by the system तो positive है ना, overall work negative आ रहा है, क्योंकि H2 gas बन रहा है, H2 बन रहा है तो expansion हो रहा है, तो work done by the system is positive, work done by on the system is negative. ये गलत दे रखा है, that should be positive, समझना. Overall work negative आ रहा है, हमारा expansion है, तो हम जो work calculate करते हैं on the system करते हैं. यहाँ पे by the system पूछ लिया है, तो हमारा negative आ रहा है, उसको एक और negative sign आगे रखना पड़ेगा. तो मिसप्रिंट है, नेगेटिव को तुम पॉजिटिव बना लो, सेकंड ऑप्शन. क्लियर? एट क्वेश्चन में वो मिसप्रिंट है. इट शुड बी पॉजिटिव. टेंथ क्वेश्चन, एन आइडियल गैस फिल्ड एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm एंड टेम्परेचर दिस इन अ बैलून एस्केप्ड इन अ वैक्यूम विद इन अ लार्ज इंसुलेटेड कंटेनर वॉल ऑफ बैलून इज पंचर्ड देन द कंटेनर टेम्परेचर. आइडियल गैस है ना, रिमेन सेम. देखो यदि हम फर्स्ट लॉ से जाएं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू जीरो दे रखा है, इंसुलेटेड वेसल. अब हमें वर्क डन चेक करते हैं, यहां पर जो कंटेनर है बैलून को पंचर कर रहे हैं अगेंस्ट वैक्यूम, वैक्यूम इज प्रेजेंट. यदि वैक्यूम है तो वर्क डन जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो, और इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो दैट मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट. यदि हम ये बोले डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू जीरो, और एल्स वी कैन से डेल्टा यू इज जीरो देन डेल्टा टी विल बी जीरो फॉर अ प्रोसेस. क्या इतना समझ में आता है अभी? यस सर. चलो, डाउट डिस्कशन कंप्लीट हुआ, चले हम आगे थ्योरी में.
जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट जो बॉयल्स लॉ से हमने देखा है. सिमिलरली फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस वी हैव सम रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. पहले हम वो डिराइव करते हैं फिर उसे देखेंगे क्या रिलेशन डिराइव करते हैं. एडियाबेटिक प्रोसेस है दो पॉसिबिलिटी आ सकती है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल एडियाबेटिक DQ0 DW को लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डीवी. हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एंड CVdT क्या हमने फॉर्मूला डिराइव किया था डी इक्वल टू NCVdT लास्ट लेक्चर में. डेल्टा इक्वल टू NCV डेल्टा टी डेल्टा एच इक्वल टू NCV. पी एक्सटर्नल को पी लिख दो इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर सब कुछ सेम है. सो इसको हमने लिखा पी डीवी NCVdT. P को रिप्लेस कर दो NRT अपॉन V से NCVdT. चलो इसे रखा हमने DV. ये N कैंसल नंबर ऑफ मोल्स DV अपॉन V CV अपॉन R DT बाय T. क्लियर. ये जस्ट अरेंजमेंट है. T को डिवाइड किया R को डिवाइड किया R इंटू T CVdT एज इट इज और यहाँ पे वॉल्यूम ऑलरेडी डिनोमिनेटर में. नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो. क्लियर. तो इसका इंटीग्रेशन फाइनली मैं तुम्हें रिलेशन बता रहा हूँ. इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंदी है. हमारे पास जो रिलेशन आएगा फाइनली वो ये आ जाएगा वॉल्यूम V1 से V2 टेम्परेचर T1 टू T2 V1 PV टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट. सो हमें चाहिए V और T में NRT अपॉन V. T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1. ये रिलेशन आ जाएगा जब तुम इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे. ये जो फाइनल रिलेशन है ये हमें ध्यान रखना है. क्या टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशन T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 पावर गामा माइनस 1 ऐसा T3 V3 पावर गामा माइनस 1. क्लियर. जितनी पोजिशन होगी सबके लिए होगा. और एल्स वी कैन राइट टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम पावर गामा माइनस 1 इज कॉन्स्टेंट. अब क्वेश्चन ये आता है गामा कहां से आ गया. यहां पे तो गामा था ही नहीं. सीवी को हम गामा के टर्म्स में लिखेंगे. सीवी होता है आर अपॉन गामा माइनस 1. तो आर कैंसिल हो जाएगा नीचे आ जाएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1. तो वो पावर भी चला जाता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं. क्लियर. अब तुम टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन है. यू कैन रिप्लेस टेम्परेचर बाय पीवी इक्वल टू एनआरटी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. जब तुम टेम्परेचर को रिप्लेस करोगे तो फाइनली जो रिलेशन आता है प्रेशर वॉल्यूम में वही कुछ ये आएगा पीवी टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट. क्लियर. सो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन और हम अब प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन भी देख सकते हैं. तो एक काम करो प्रेशर को टेम्परेचर के टर्म्स में रिप्लेस करो. नहीं प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम को टेम्परेचर के टर्म में रिप्लेस किया बी इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी. सो P to the power 1 minus gamma, T to the power gamma constant. ये तीन रिलेशन हमारे पास आ गए. ये हमें ध्यान रखना है ना. तुमको एक रिलेशन भी ध्यान रखोगे बच्चे को डिराइव कर सकते हो. तुम्हें इतना ध्यान है P to the power gamma constant, P को रिप्लेस कर दो NRT upon V से. तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा. मतलब रिप्लेस करते जाना P equal to NRT. सोन मेरा इतना वैभव वेदांत विराज यश. यस सर. यस सर. यस सर.
चलो, सो जैसे p इंटू वी कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे p इंटू वी पावर गामा कॉन्स्टेंट आ रहा है, क्लियर? वर्ड डन फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, उसी में चल रहे हैं हम। रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए p dv हो जाएगा, p एक्सटर्नल इक्वल टू p इंटरनल, विच कैन बी रिटन एज p, p को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट के अपॉन v टू द पावर गामा, यहां से रिप्लेस कर देते हैं dv। व्हेन यू इंटीग्रेट दिस थिंग यू विल गेट p1 v1, चलो इंटीग्रेट कर देता हूं उसको, मैं पूरा ही बता देता हूं। k को बाहर लिया, v टू द पावर गामा का इंटीग्रेशन ऊपर जाएगा v टू द पावर माइनस गामा, तो ये हो जाएगा v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 लिमिट v1 से v2, तो ये v2 माइनस लोअर लिमिट। इतना किया है नहीं किया है तुमने अब तक, इंटीग्रेशन किया है फिजिक्स में नहीं किया है? पल्लवी हुआ है नहीं हुआ इतना इंटीग्रेशन? ठीक है सर, वो बॉक्स में जो लिखा है स्टार देकर वो बताइए ना। क्या? अच्छा ये जो रख किया अभी, हाँ वो इक्वेशन ऑफ स्टेट एक्टिविटी टू द पावर गामा कांस्टेंट, वो हमें याद रखना है ना एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। जैसे पीवी कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल के लिए, ऐसे एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए होता है पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट। So, P2 V2 minus P1 V1 upon gamma minus 1, ये वर्ड डन आता है सॉल्व करने का। माइनस को आगे ले लो, माइनस माइनस प्लस, तो ये गामा माइनस 1 हो जाएगा। K को मल्टीप्लाई कर दो, K को मल्टीप्लाई करने के बाद उसे रिप्लेस कर दो P1 V1 गामा से, और यहाँ पे P2 V2 गामा से। ठीक है, वो डेरिवेशन उतना डेप्थ नहीं भी समझोगे, वर्ड डन का फाइनल फॉर्मूला ध्यान रखना है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस वर्क डन, एडियाबेटिक प्रोसेस है क्यू जीरो, सो यहां पर डेल्टा यू एंड वर्क डन सेम आ रहे हैं, विच इज पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट किया हमने, हमें बेसिकली करना क्या है, वर्क डन, इंटरनल चेंज, हीट एक्सचेंज, एंथैल्पी चेंज, ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, और वी कैन ऑल्सो राइट एन सी पी डेल्टा टी, इससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। एट द सेम टाइम डेल्टा यू कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड एन सी पी डेल्टा टी, यहां से भी आ सकता है, ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, दोनों से सेम वैल्यू ही आएगा। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, देखो एडियाबेटिक अभी भी बोल रहे हैं तो क्यू तो इसके लिए भी जीरो होगा, चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल। सो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यू जीरो, दिस इज स्टिल वैलिड, ये अभी भी वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डेल्टा यू इज एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा एच इज एनसीपी डेल्टा टी, ये रिलेशन अभी भी वैलिड है। क्या
P1 V1 gamma equal to P2 V2 gamma. This cannot be used for irreversible adiabatic process. ध्यान रखना ये relation जो है ना PV gamma constant, PV gamma minus one constant, P1 minus gamma, T gamma constant, ये सारे relation सिर्फ और सिर्फ reversible के लिए valid है, not valid for irreversible. Irreversible adiabatic process. Clear है? एक मिनट यहाँ पे बजाय रिवर्सिबल के पहले सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस लिखते हैं बिकॉज दिस थिंग इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. डेल्टा टी जीरो, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एच जीरो, क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो क्योंकि वो डेल्टा यू के इक्वल होता है. क्यू विल बी माइनस डब्ल्यू, यहां तक दोनों के लिए वैलिड है. नाउ वी कैन गो स्पेसिफिक फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस. अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस पे आते हैं. इसका वर्क होता है माइनस पीडीवी. T को रिप्लेस कर सकते हैं हम nRT अपॉन VdV एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम V1 टू V2 और उसका इंटीग्रेशन फाइनली आता है हमारे पास माइनस nRT ln V2 अपॉन, मैं प्लस साइन ही ले लेता हूं यहां पे, V1 अपॉन V2 और P2 बाय P1. ये ऑलरेडी पहले डिराइव कर चुके हैं ना, और लॉग में कन्वर्ट करना है 2.303 nRT log of V1 by V2 or P2 by P1. Even काफी कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हमने इस पे बेस्ड. ध्यान रखना ये फॉर्मूला इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए वैलिड नहीं है. ये फॉर्मूले सारे वैलिड है दोनों के लिए. इसी के कंटिन्यूशन में है रिवर्सिबल के लिए क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो उसका हीट एक्सचेंज आ जाएगा nRT ln V1 by V2 और P2 by P1. यू कैन ऑल्सो राइट माइनस इन प्लेस प्लस इन प्लेस ऑफ माइनस, तो यहां पे इन्वर्ट कर देना. क्या हीट एक्सचेंज विल बी माइनस ऑफ वर्क डन. ln को log में कन्वर्ट कर सकते हो 2.303 का मल्टीप्लाई करके.
डेल्टा ई एन सी बी डेल्टा टी जो बेसिक फॉर्मूला अभी भी वैलिड है, सिर्फ हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं. वर्क कैन नॉट बी इक्वल टू 2.303 मतलब जो ये फॉर्मूला लिखे एन आर टी एल एन सर लॉग ले लेते हैं 2.303 है लॉग ऑफ वी वन बाई वी टू दिस इज नॉट वैलिड. ध्यान रखना ना यहाँ पे ई रिवर्सिबल एक मिनट तो आइसोथर्मल चल रहा था ना मतलब आइसोथर्मल केस था ना मैंने एडियाबेटिक मैंने एक गलती से एडियाबेटिक किया है दिस शुड बी वेट फॉर अ मिनट आइसोथर्मल था ना सबसे पहले आइसोथर्मल एडियाबेटिक तो से पहले था तो यहाँ पर रुक जाओ मैं फिर से लिखाता हूँ सब कुछ मैंने एडियाबेटिक के लिए कर दिया पता नहीं क्या किया. Irreversible isothermal process, delta U0, delta T0, delta H0, ये तो अभी भी valid है. So Q equal to minus of W, this is also valid, Q plus W is 0. So यहां तक सब कुछ valid है, but work cannot be written as 2.303 NRT log of V1 by V2. ये नहीं लिख सकते हम ना, तो reversible isothermal के लिए था. ध्यान रखना है ना. So, reversible adiabatic, irreversible adiabatic, relation क्या different आ जाएगा? वहाँ पे work done का relation different आ जाएगा. यहाँ पर भी work का relation बदल जाएगा. Generally, we use first law of thermodynamics in irreversible process. Note for irreversible process, generally we use first law of thermodynamics Q plus W equal to delta I for the calculation. Kuch questions bhi likhte hain isme. Question number 16 and 17, section D. Question number 16, 17, section D, exercise 1. Try this question right now. Pehle 16 karna hai, phir 17 karna hai.
16 क्वेश्चन रिवर्सिबल एडियाबेटिक दे रखा है, V1 पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। हमें टेम्परेचर तीन चीजें दे रखी है, एक अननोन है, दो वॉल्यूम दे रखे हैं और एक टेम्परेचर दे रखा है हमें क्वेश्चन में। चलो रिवर्सिबल एडियाबेटिक इसलिए हमें यूज कर सकते हैं, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक होता तो यूज नहीं कर पाते हैं। सो इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन, वॉल्यूम वी ले लो पावर गामा माइनस 1, फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, फाइनल वॉल्यूम दे रखा है 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल, 8 वी ले लिया पावर गामा माइनस, इनिशियल का 8 टाइम्स डिवाइड कर दो, T2 इक्वल टू वी अपॉन 8 वी पावर गामा माइनस 1 इंटू 300। सो इस 8 वी को डिवाइड कर दिया है, V कैंसिल हो गया, 1/8 बचा, गामा इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 1.33, 1.33 माइनस 1 इज 0.33, दैट इज 1/3, यहां पर आ जाएगा 1/8 पावर 1/3 इंटू 300, ये होता है 2, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, तो 2 300 150 केल्विन इज द फाइनल आंसर। यदि इरिवर्सिबल एडियाबेटिक होता तो यूज नहीं करते, बट अभी कर सकते। इज दैट ओके? यस सर। और वर्क के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क इक्वल टू डेल्टा यू एन सीवी डेल्टा टी। चलो नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है, 1 मोल, सीवी का वैल्यू हमें पता है आर अपॉन गामा माइनस 1 होता है, तो गामा इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, क्लियर? सो आर अपॉन गामा माइनस 1, गामा 1.33 माइनस 1 1/3 आ जाएगा इंटू डेल्टा टी, फाइनल 150 इनिशियल 300, तो माइनस के सॉल्व करोगे माइनस 450 इंटू 2, तो आर का वैल्यू कैलोरीज में 2 होता है ना, तो आर को 2 लेना, माइनस 900 आएगा आंसर। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है तो 900 कैलोरी, क्या आंसर 1 दे रखा है इसका? हाँ यस, मैच कर रहा है 900 कैलोरीज ना, नेगेटिव साइन किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो फिर मैग्नीट्यूड हम रिपोर्ट कर सकते। सेवनटींथ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक का है, एडियाबेटिक है बट इरिवर्सिबल, तो तुम इस टाइप का कोई भी रिलेशन यूज नहीं कर पाओगे माना, इसलिए क्वेश्चन दिया है कि तुम्हें समझ में आए कि क्या हो रहा है, करो जल्दी से 17 ट्राई। और जहां इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस आते हैं, जनरली वी यूज FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
17th question. One mole of an ideal gas CV is given 300 580 is expanded adiabatically to a final pressure of 2 atm against constant pressure. जहां पर ऐसा दे दिया गया अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर मतलब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस रहा हो. फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है. चलो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं. क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू. एडियाबेटिक है तो क्यू अभी भी जीरो. वर्क डन का फॉर्मूला होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. डेल्टा यू का फॉर्मूला होगा एन सी वी डेल्टा टी. एक्सटर्नल प्रेशर दिया है 2 एटीएम. एटीएम में डील कर लेते हैं अभी. चेंज इन वॉल्यूम नहीं इंफॉर्मेशन है सच इतना. इसको लिखो V2 माइनस V1. नंबर ऑफ मोल्स 1. CV का वैल्यू 5/2 R. डेल्टा टी T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन 300. T2 कैलकुलेट करना है हमें. अब V2 V1 को रिप्लेस कर दो N R T. तो इससे हमने लिखा एन आर टी. एन इज वन. आर एज इट इज. फाइनल टेम्परेचर टी टू अपॉन एन आर टी अपॉन पी. इफ एनीथिंग इज एक्सपेंडेड. अच्छा हमें दे रखा है फाइनल प्रेशर इज टू. तो एन आर टी अपॉन पी 2 एटीएम माइनस एन आर टी वन विच इज गिवन 300 केल्विन अपॉन इनिशियल प्रेशर विच इज 5 एटीएम. तो इन दोनों वॉल्यूम को रिप्लेस किया एन आर टी बाई पी एन आर टी बाई NRT2 by P2, NRT1 by P1. Here is equal to 5/2 R P2 minus 300. One equation, one variable, solve for T2. ये ATM में लिया था, ये भी ATM में cancel हो जाएंगे units. फिर कोई problem की बात नहीं. R common लिया, ये R cancel हो गया हमारा. Solve कर लेते हैं. ये 2 cancel, minus T2, minus minus ये plus हुआ. ये 300 by 5, ये 60, 16 to 2. 120 should be equal to 5/2 T2 5/2 150 750. कितना आएगा T2? 5/2 plus 1 7/2 120 plus 750 7/2 2/7. यदि हमने कुछ कैलकुलेशन गलत नहीं किया होगा तो आंसर मैच करेगा. चेक कर लेते हैं एक बार. मैच कर रहा है एग्जैक्टली ना. 248.5 केल्विन. तो पीवी इक्वल टू एनआरटी इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उन दोनों का यूज करके आंसर कैलकुलेट किया है. Is that okay? चलो अब एक मिनट सुन लो फिर कॉपी करना. मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं पहले. फॉर एक्सपांशन मैक्सिमम वर्क डन विल बी देयर. मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी देयर. एक्सपांशन में तो सिस्टम ही वर्क करेगा. बाय द सिस्टम विल बी देयर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. देखते हैं कैसे होगा. T वर्सेस B. रिवर्सिबल एक्सपांशन है. हम नेट से ऐसे B पर जा रहे हैं. इक्विलिब्रियम इज देयर क्लियर. A टू B. तो यहां पे जो वर्क होगा इन केस ऑफ रिवर्सिबल वर्क विल बी दिस वन. ये वर्क हो जाएगा रिवर्सिबल वर्क क्लियर एक्सपांशन में. अब इरिवर्सिबल में इफ एक्सपांशन टेक्स प्लेस डेफिनेटली एक्सटर्नल प्रेशर विल बी लेस देन इंटरनल प्रेशर. बाहर का प्रेशर कम होगा तभी एक्सपांशन होगा. अब बाहर का प्रेशर कम है तो इरिवर्सिबल वर्क जो आएगा माइनस पी एक्सटर्नल लेट से वो कांस्टेंट है क्लियर इनटू डेल्टा वी. क्या डेल्टा वी ये है वी वन से वी टू. कैन बी राइट डेल्टा वी विल बी वी टू माइनस वी वन. अब बचता है पी एक्सटर्नल.
इफ फाइनली सिस्टम इज गोइंग अप टू बी तो बाहर का प्रेशर रहा होगा डेफिनेटली, मतलब ना रहा होगा ऐसे कम रहा होगा, हम जा रहे हैं 5 ATM से 2 ATM तो बाहर का प्रेशर है तो 2 ATM रहा होगा या उससे कम, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, बाहर का 3 ATM हम एक्सपांड होते हैं 2 ATM तक चले, तो जब तक बाहर और अंदर का प्रेशर इक्वल नहीं होगा तब तक ही एक्सपांशन होगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर डेफिनेटली लेस होगा तभी एक्सपांशन है, उतनी एक्सटर्नल हो जाएगा ये एक्सटर्नल प्रेशर इतना है इससे कम, तो इस केस में जो वर्क आएगा दिस इंटू हाइट दिस वर्क विल बी द वर्क डन, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं उसके लिए ये इरिवर्सिबल वर्क होगा, कौन सा वर्क ज्यादा दिख रहा है ये वाला एरिया या ये पूरा एरिया, विच वर्क इज ग्रेटर, कौन सा वर्क ज्यादा है, राशि ऋतुजा रोहन रिवर्सिबल रिवर्सिबल यही लिखा हुआ है हमने, और दोनों केस में नेगेटिव वर्क क्योंकि सिस्टम कर रहा है एक्सपांशन, अब यदि हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम वर्क डन आएगा और इरिवर्सिबल प्रोसेस, सभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों इरिवर्सिबल में आएगा, सर ये वाला फिर से एक्सप्लेन करो ना, मैं सेकंड एक्सप्लेन करता हूँ फिर इस पे आता हूँ वापस, सेकंड समझो पहले, लेट्स से वी आर गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ए टू बी जा रहे हैं, दो पॉसिबिलिटी आएंगी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, चलो हम रिवर्सिबल पाथ पे गए मतलब हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, प्रेशर इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग यहां से यहां तक चेंज हो रहा है, तो इसका जो वर्क होगा वो होगा एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस, ये इसका वर्क हो जाएगा रिवर्सिबल का, इज दैट ओके, क्या इतना समझ में आता है, यस सर, यही यहां पे भी किया था वो एरिया रिवर्सिबल का वर्क हो गया था, अब आते हैं इरिवर्सिबल में, ड्यूरिंग कंप्रेशन एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना रहेगा जितना हमारा सिस्टम का फाइनल प्रेशर रहा होगा, मतलब ये वाला प्रेशर ये एक्सटर्नल प्रेशर रहा होगा, तो इसको यदि हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके इतना करें तो पी एक्सटर्नल दिस हाइट चेंज इन वॉल्यूम दिस हाइट पी एक्सटर्नल डेल्टा टी, तो दिस इंटू दिस, तो जो वर्क होगा ये वाला वर्क आ जाएगा होल एरिया, मतलब कितना एक्स्ट्रा वर्क आ रहा है ये इतना जो ऊपर वाला पोर्शन है ना ये एक्स्ट्रा वर्क आ रहा है, ये वर्क हो जाएगा irreversible क्योंकि external pressure internal से ज्यादा है, सिंपल ये देखें हम minus p external dv reversible है तो ये pressure internal external same कुछ वर्क आ गया, irreversible है expansion है तो बाहर का pressure कम तो बहुत कम, here irreversible case में compression है तो बाहर का pressure ज्यादा अंदर के pressure से तो ये वर्क ज्यादा, irreversible compression में वर्क ज्यादा और irreversible expansion में वर्क कम, ये graph के थ्रू explain किया है, तुम्हें समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है हमें ये दो पॉइंट याद रखने कि तुम्हें बोला गया फाइंड द मैक्सिमम वर्क ड्यूरिंग एक्सपांशन, तुम्हें वहां से क्लिक होना चाहिए मैक्सिमम वर्क पूछा मतलब रिवर्सिबल पूछ रहे हैं, और ऐसा एक क्वेश्चन किया है, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन डी का, क्वेश्चन पढ़ो, उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, फिर भी रिवर्सिबल एज्यूम करके हमने सॉल्व कर लिया था उसमें मैक्सिमम वर्क बोला गया, और इस केस में मैक्सिमम बोला गया तो इरिवर्सिबल, मिनिमम बोला गया तो रिवर्सिबल, आ रहा है समझ में, रिवर्सिबल डायरेक्ट भी दे सकते हैं इनडायरेक्ट भी दे सकते हैं, तुम्हें फाइंड मैक्सिमम फाइंड मिनिमम वर्क तो पता लगना चाहिए, क्लियर है, चलो हमारा फर्स्ट लॉ ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट, मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है सीपी, कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, आइसोथर्मल प्रोसेस जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंफिनिटी, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जीरो, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है मोलर हीट कैपेसिटी का क्यू अपॉन डेल्टा टी वन अपॉन एन, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू जीरो, अब तुम टेम्परेचर कितना भी चेंज कर लो ऊपर जीरो, जीरो बाय समथिंग इज जीरो। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, डेल्टा टी इज जीरो, समथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी, सो एडियाबेटिक में ये ऊपर वाला जीरो, ये जीरो आ गया, आइसोथर्मल में नीचे वाला जीरो, समथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी, और कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सीपीसी जिसके वैल्यूज हमने देख लिए। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? इज दैट ओके? यस ठीक है। होमवर्क एक्सरसाइज वन अप टू सेक्शन डी, जो छूट गया था पार्ट उस सेक्शन डी का, एक्सरसाइज टू, एक्सरसाइज टू में पहले कभी होमवर्क दिया है? अप टू क्वेश्चन नंबर 14, इतना होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यू मे लीव नाउ।